प्यारे बच्चों, आज हम जो प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं उस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है एक अवतल दर्पण की स्थिति में यू के विभिन्न मानों के लिए वी के मान ज्ञात करना तथा इनसे फोकस दूरी ज्ञात करना, राइट। इसकी जो रे डायग्राम बनेगी आपकी, मैं आपको रे डायग्राम समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक दर्पण है, ये दर्पण है अवतल दर्पण। आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे हमने एक वस्तुपिन रखी, वस्तुपिन, ये वस्तुपिन हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम एक पिन रखेंगे, वस्तुपिन का प्रतिबिंब, इसे प्रतिबिंब पिन कहेंगे हम। वस्तुपिन का प्रतिबिंब इसके ऊपर बनना चाहिए, वस्तु पिन का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, इसके ऊपर बनना चाहिए। ये दर्पण है आपका, दर्पण और वस्तु पिन के बीच की दूरी u होगी और दर्पण और प्रतिबिंब पिन की दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। इसकी जो हमारी टेबल बनेगी, हमारी टेबल ऐसे बनेगी कि क्रम संख्या, ठीक है, m की स्थिति, दर्पण अवतल दर्पण m की स्थिति, a लेनी है, किसमें है ये, सेंटीमीटर में। वस्तु पिन की स्थिति किसमें आ गई, b सेंटीमीटर में, और ये प्रतिबिंब पिन की स्थिति, ये क्या आ गई, सी सेंटीमीटर। बच्चों, हम जो ये प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग में करते हुए हम वस्तु पिन की जो ऊंचाई है वो कम रखेंगे और प्रतिबिंब पिन की ऊंचाई उससे क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे। और एक साफ पिन लेंगे और एक थोड़ी सी, अगर आपकी लैब में अवेलेबल हो, अलग हो उससे, मतलब दोनों पिन एक ना हो, दोनों के कलर में अंतर हो। मैं अब इसे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी ये वाली पिन हमने रखी है ये बिल्कुल साफ ली, ये थोड़ी सी हमने अलग ली, जंग हल्का सा जंग लगा हुआ है उसको लिया है कि जिससे ये पिन और ये पिन अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। ये मेरा कौन सा दर्पण है, मेरा ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को कैसे पहचानूंगा, बीच से गहरा और किनारे से उठा होता है, बीच से गहरा होगा, राइट। तो ये अवतल दर्पण लिया है। अब इधर आइए आप, तो जब हम इसमें कहेंगे, तो जब हम इसमें ये चीज करने लग रहे हैं तो क्या होगा इसमें, देखिए। अब मैं आपको जो प्रयोग करके दिखाने लग रहा हूं, अब प्रयोग में देखेंगे आप, इधर देखिए, मैं एक रीडिंग दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे ये रीडिंग में आप देखेंगे, मैं पहले सेट करूंगा, मैं इस पकड़ दो एक मिनट, ठीक है। तो जब मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ इस रीडिंग को, तो आप देखेंगे ना, मुझे दिखाना महेश, पहले मैं सेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, आप पकड़ो, मैं इसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे सेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या स्थिति में मैंने अपने आप पेन ले लिया है। ये आपको अगर मैं मिरर के भीतर दिखा पाऊँ, तो इस मिरर के भीतर देखिए आपको एक पिन दिखाई दे रही है, ये पिन, ये वाली पिन की प्रतिबिंब है। और आपको एक और अगर मैं फोकस करके दिखाऊँ, तो आपको एक पिन दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है पिन,
ये पिन एक दूसरे के ऊपर है, मैं दूर से दिखाऊंगा तब आपको नज़र आएगा, ये पिन बहुत एक दूसरे के साथ साथ चलने लग रही हैं, ये हमारा पैरेलेक्स है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इसके पास एक और पिन है, वो इसका प्रतिबिंब है, इससे मतलब नहीं है हमारा, हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु के प्रतिबिंब को हमें इसके ऊपर बनाना है और हमने बना दिया है, राइट। तो हमने प्रतिबिंब बना दिया, आप देखो इसमें फोटोग्राफ में, ये देखो ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आने लग रही है उसकी। हम अगर ये अपने पॉइंट पे रखते हैं इसे, तो ये पैरेलेक्स मूव हो गया हमारा, हम दोनों पिन हमारी एक साथ चल रही है क्योंकि बाहर भाग जा रही है ये इधर से, तो ये पैरेलेक्स मूव हो गया। अब मैं रीडिंग नोट करवाऊँगा, महेश रीडिंग नोट करेंगे बेटा, सचिन मैं साथ दोगे भैया, ये कितना है 25 है ना, यस सर। ये देखो हमारा रीडिंग अगर हमारी फ़ोन पे आ जाएगी तो हम बताएंगे अभी आपको, 28 आ रही है हमारी वस्तु पिन की स्थिति, ओ आई प्रतिबिंब पिन की स्थिति 28, और ये एग्जैक्ट 60 लग रहा है मुझे, है ना, यस सर, है ना, ये एग्जैक्ट 60 लग रहा है, देखो ये एग्जैक्ट 60 लग रहा है, हाँ 60 है, 60 लिख लो वस्तु पिन में, और दर्पण लिखो आप, दर्पण 83, देखो ये मैंने उसको उस पर फोकस पे लिया 83, ठीक है। तो इस तरह से हमने रीडिंग नोट कर ली, अब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा अपना। देखो मैंने अगर यहाँ से देखूँ मैं, तो मैंने यहाँ से ये पिन अलग अलग हाइट की रखी है, ये कम हाइट की रखी है मैंने, ये वस्तु पिन है, ये मेरा प्रतिबिंब पिन है, और ये मेरा दर्पण है, देखिए दर्पण दिखाई दे रहा है, मैं फिर दिखाता हूँ, इसमें यही पिन दिखाई दे रही है अभी उल्टी, जब मैं इधर ले आता हूँ तो ये पिन के ऊपर मैंने वो वाली पिन दिखा दी आपको, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने अपनी स्थिति पूरी कर ली है, महेश आप फ़ोन पकड़ेंगे बेटा, अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मेरे को यू निकालना है, यू सेंटीमीटर में, यू मेरा क्या है एम ओ, यू इज इक्वल टू एम ओ, मतलब M और O के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा 83 - 60 कितना आ गया 23। V मेरे पास क्या है, V मेरे पास है MI, 83 ये सेंटीमीटर में, 83 माइनस कितना आ रहा है 28 है ना, कितना आ गया ये 30, और ये कितना हो गया 30 अगर से मान लेते हैं 50 53 55 आ गया 55। तो मैं अब इसका सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। अब मैं इसकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, हमारे पास U कितने हैं 23 सेंटीमीटर, V कितने हमारे पास 55 सेंटीमीटर। ये आप एक चीज देखिए यहां पे, ये दोनों क्या हैं ध्रुव के, दर्पण में ध्रुव होता है P, दोनों ध्रुव से लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है और ये भी, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो अब ये कैलकुलेशन में हमारी वैल्यू चेंज हो गई, यू कितना हो जाएगा -23 सेंटीमीटर, V कितना हो जाएगा -55 सेंटीमीटर, सूत्र था हमारा 1/F = 1/V + 1/U, तो 1/F = U+V / UV, F = UV / U+V, U कितना है -23, V कितना है 55, -23 - 55। भाई एक बंदा कैलकुलेटर लेके आ फोन का, ओए किसके पास फोन का कैलकुलेटर है, तो ये हो गया माइनस ले लेते हैं बाहर 23 × 55, और ये 55 और ये कितना होगा 8 हैं, 5 × 3 = 8 और दे 78, 23 को 78 से गुणा करो, नहीं 55 से, 23 × 55 23 × 55 = कर दो कितना आ गया, ये 1265 बटे 78, ये 78 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारी 16.8
2179 सेंटीमीटर। इसकी जो हमने फोकल लेंथ थी हमारी रफ थी जो हमें उसमें पेपर में दे रखी थी, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फोकल लेंथ, मैं पेपर में दिखाना चाहूँगा। देखो जो हमने मिरर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 15। तो हमारी कितनी आई, -16, ये नेगेटिव होती है तो हमारी -16.2521 आई है, ये लगभग बराबर है क्योंकि जो लिखते हैं वो एग्जैक्ट होती भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे अपनी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी लिख देंगे, -16.21। इसी तरह हम इसकी स्थिति फिर बदलेंगे, हमने 1, 2, 3, 4 कम से कम 4 रीडिंग लेंगे, उसके अनुसार फिर हम फोकल लेंथ की गणना करेंगे और हमारी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं अब उन बच्चों को भी दिखाना चाहूँगा जो बच्चे ये प्रयोग कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे हमारी, जो हमारी हेल्प कर रहे थे प्रयोग करते हुए। रोहित आप इसमें थे ना, तो थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा हुआ है। हम जो प्रयोग कर रहे हैं हमारे बच्चे प्रयोग करते हुए लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ये करण आप थोड़ा पास है मेरा, थोड़ा दूर मेंटेन रखो दूरी को। ये कौन सा अच्छा नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ग्लास लैब का, ठीक है बच्चों। आपको इसी तरह हम नई वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, बाकी जो वीडियो बची हैं वो वीडियो भी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।